अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेवन, दिस इज़ आर बुक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स सेवन एडिशन। अब हम इसका कॉपी वर्क शुरू करते हैं। एज़ यू नो, सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस फॉर मिड टर्म, सीरियल नंबर, कॉन्टेंट्स, पेज नंबर। आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे और सिलेबस को कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट हम 4 to 5 पेज का इंडेक्स ड्रॉ करेंगे, डेट, टॉपिक, टीचर साइन। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म का आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले प्रीवियस क्लास में आप फैक्टर्स को पढ़ चुके हैं, यहाँ हम इसका जस्ट क्विक रिकैप करेंगे। क्लासिफाइंग होल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेम एज इट इज, ऑड नंबर आर दोज नंबर दैट आर डिविजिबल, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 के टेबल में ना आते हों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली, विच हैज एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वो सारे नंबर जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आते हों या फिर अपने टेबल में आते हों और किसी टेबल में ना आते हों, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 3 और 1 और इसका फैक्टर हो गया 3। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, मीन्स यानी 1 और इटसेल्फ, यानी अपने टेबल में तो आते ही हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में भी आते हों, यानी उसका फैक्टर 2 ना हो, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि 6, तो 6 आप 1 के टेबल में भी आता है, 6 अपने टेबल में भी आता है, इसके अलावा 2, 3, 6 भी होता है, तो इसके मोर देन 2 यानी 3 फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, 2, 3 एंड 1। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 13। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। यहाँ हमें ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया जिसके 2 फैक्टर हो, 1 इन इटसेल्फ, एंड कंपोजिट आर दो मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 87 आपका देखने से ही पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर है, 87 अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में, तो ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 87, सो इट इज अ प्राइम नंबर। सेम एज इट इज, 67 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 73 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 91 अपने टेबल में भी आता है, 91 के टेबल में भी आता है, लेकिन 13, 7 भी 91 होता है, तो इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, 13, 7, 1, सो इट इज कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब आप, व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन? इंडेक्स नोटेशन वी यूज दिस मैथमेटिकल टर्म टू राइट अ लॉन्ग प्रोडक्ट। लॉन्ग प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई को ही प्रोडक्ट बोलते हैं इन अ क्विक वे, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई है तो हम उसे पावर की तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 3 जो है 7 है, तो हमने क्या किया, 3 हमारा बेस नंबर हो गया, 7 इसको हमने इंडेक्स नंबर, यानी जो पावर होती है उसे ही इंडेक्स नंबर बोलते हैं, तो 3 to the power of 7। तो इसी तरह आपको यहाँ एक्सरसाइज में पहला ए है हमारा 72, तो हम इसको एलसीएम के मेथड से करते हैं। 72, 2, 3, 6, 1 कैरी चला गया, 2, 6, 12, 2, 1, 2, 1 कैरी चला गया, 2, 8, 16, 2, 9, 18, 3, 3, 9, 3, 1, 3। तो अब ये सारे जो हैं इसके प्रोडक्ट हैं, लॉन्ग 2, 2, 2, 3, 3 आपने यहाँ सारे लिखे। अब ये 2 सारे नहीं है, 2 और 3, यानी अब इसके 2 नंबर बने इंडेक्स नोटेशन में, 2 की पावर 3 क्योंकि 2, 3 थे, और 3 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 3 जो है 2। इसी तरह आप बी, सी और डी अपने कॉपी में करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन वर्क इसका पेज नंबर 13 पे। अब आप ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करेंगे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम करेंगे। थैंक यू।